कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके। सर्वप्रथम अश्वदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूं विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य दंडवते प्रणाम पूर्वक भगवान की कुछ कथा आरंभ कर रहा हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु आज विश्व में सर्वत्र शुद्ध भक्ति का प्रचार करने वाले सनातन धर्म का प्रचार करने वाले नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में भी अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूं। कल हमने संक्षेप में सनातन धर्म के कुछ विषय में थोड़ी सी हमने चर्चा की। जो सनातन एक तो है कृष्ण भगवान और दूसरे सनातन हैं जीव में जितने भी विश्व में प्राणी हैं उनकी आत्माएं हैं वे सनातन हैं और उन प्राणियों से उन जीवों से कृष्ण का जो संबंध है यही सनातन धर्म है जिसके विभिन्न स्तर हैं। उसी प्रेम धर्म को पहली स्थिति में साधन भक्ति, दूसरी स्थिति में भाव भक्ति और तीसरी स्थिति में उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। ये प्रेम ही समस्त जीवों का धर्म है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता। समस्त प्राणियों में प्रेम किसी न किसी रूप में जरूर है। यदि वह अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर सकता, अपने माता पिता को प्रेम नहीं कर सकता तो उसे कुत्ते को भी प्यार करना पड़ता है। घर में कुत्ता भी रख करके उसे प्यार करता है। कुत्ता भी नहीं है तो अपने शरीर को प्यार करता है। किसी न किसी रूप में वो व्यक्त होगा ही। बड़ा फुखार जानवर बाघ है। बाघ दूसरों को तो मारता है किंतु अपनी पत्नी को और बच्चों से बड़ा प्यार करता है, उनको नहीं मारता। सांपों में भी सर्पों में भी यह प्रेम है। पेड़ों में भी पेड़ों से पेड़ मिलते हैं, लताओं से लताएं मिलती हैं। इसलिए यह प्रेम किसी न किसी रूप में सारे विश्व में प्रत्येक प्राणी में है। वही प्रेम अभी हमें सुख के रूप में दिखता है, हम सुख चाहते हैं। एक कुत्ता भी यदि तू तू कर करके प्रेम से बुलाते हैं तो कुछ डुलाता हुआ पीछे भागता है। यही प्रेम विशुद्ध होने पर यदि भगवान के चरणों में लग जाता है तो यह विशुद्ध ये जीव मात्र का धर्म है। इसलिए जीव मात्र को कहा गया कि जीव मात्र ही भगवान का नित्य दास है। अब उनके भूलने से ऐसा हो गया है। सनातन धर्म शुद्ध रूप में इसी प्रेम धर्म का नाम सनातन धर्म है। यह नित्य काल है।
कल हमने इस विषय को संक्षेप में कुछ बतलाया था। आज मैं सनातन धर्म के कुछ विशेष तत्वों को आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो चाहता था कि कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का स्मरण करूंगा, बतलाऊंगा, किंतु इन चीजों को नहीं समझने के कारण आप लोग नहीं समझ सके। कृष्ण को एक साधारण पुरुष, राधिका जी को एक साधारण नायिका स्त्री समझेंगे, नहीं समझ सके। इसलिए थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म को मैं थोड़े संक्षेप में बतला रहा हूं। जब कभी फिर समय होगा तो राधा कृष्ण के संबंध में पीछे बतलाऊंगा। सनातन धर्म की मूल रीढ़ भित्ति, रीढ़ जानते हैं, शरीर में रीढ़ है, उससे हम खड़े होते हैं, बैठ सकते हैं। यदि रीढ़ न हो तो हम बैठ नहीं सकते। तो सनातन धर्म की मूल भित्ति या रीढ़ है भगवान का श्री रूप। भगवान का श्री रूप है, बहुत सुंदर मूर्ति है, विग्रह है। जो लोग इसको नहीं मानते वो सनातन धर्मावलंबी नहीं है। जो लोग भगवान का रूप स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हैं, वो हिंदू या सनातन धर्मी नहीं हो सकते। जरूर किसी न किसी रूप में उनको मानना पड़ेगा, तब तो वो सनातनी होंगे, क्योंकि भगवान का रूप है। इस चीज को समझेंगे। हम कहते हैं कि जो चीज हम नहीं देखते उसको हम नहीं मानते, किंतु यह बात झूठी है। यह बात झूठी है, जो चीज हम देखते हैं उसी को मानते हैं, यह बात बिल्कुल झूठी है। कैसे? एक आदमी ने ये नहीं देखा कि हम अपने माता पिता के पुत्र हैं। कोई भी नहीं कह सकता जो मैं अपनी माता का पुत्र हूं या पिता का पुत्र हूं। देखा वो, जब जिसमें माता पिता मिले उस समय मैं बेटा देखा, उसमें बेटा था नहीं था? वो तो माता के बात पर निर्भर करना पड़ेगा। माता कहेगी हां ये तुम्हारे पिता हैं, नहीं तो वो कैसे विश्वास करेंगे? बेटा तो 9-10 महीने के बाद में पैदा हुआ या 20 महीने के बाद में पैदा हुआ, उस समय तो वो था नहीं ये देखा। इसलिए देखी हुई जो बात नहीं उसको भी रिलायबल सोर्स से, विश्वसनीय बात लोगों से हमें मान लेना पड़ता है। मैया जो कहेगी उसकी बात मानो, ये तुम्हारे पिता है, तुमने नहीं देखा। उसी प्रकार से जिन लोगों ने भगवान को देखा है, वेद शास्त्र इसके प्रमाण है, देखा है, इसलिए उसकी बात को मानो। मैया झूठ बोल सकती है, वेद पुराण शास्त्र भागवत रामायण गीता पुराण झूठ नहीं बोल सकते, उनको किसी से स्वार्थ नहीं है। इसलिए भगवान का रूप है। कैसे? इसको मैं 2-4 युक्ति और प्रमाणों के द्वारा आप लोगों को बतलाऊंगा। जो कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, शंकर जी भी देवता है, विष्णु, ये सब चीजों को आप लोग समझेंगे, नहीं तो कहेंगे ये पत्थर की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति नहीं होती, तो फिर राधा कृष्ण की लीलाओं को कैसे समझेंगे? इसलिए ये प्रथम चरण है, ये भित्ति है हमारे सनातन धर्म की, भगवान का रूप है। किंतु वह रूप कैसा है इस चीज को समझना है थोड़ा। एक रूप जो इन आंखों से दिखता है और एक है जो आत्मा की आंख से दिखता है, इस चीज को समझना चाहिए। अभी आंखें जो जो कुछ देखती हैं ये खुद देख नहीं सकती आंखें, ये सूर्य की रोशनी से या किसी दूसरे प्रकाश की सहायता से ये दिखती हैं। अंधकार में ये आंखें नहीं देख सकेंगे,
उनको कुछ फोकस के लिए, प्रकाश के लिए कोई लाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए बिना सूर्य की रोशनी किसी प्रदीप की लाइट की रोशनी के ये नहीं देख सकती। और ये आंखें ऐसी हैं जो अपने को भी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। और ये आंखें सामने रहने पर भी हृदय के भीतर में क्या क्या चीज है ये भी नहीं देख सकती। कभी कभी ये गलत दिखती हैं, कभी कभी मदिरा पान इत्यादि कर लेने से ये दूसरे रूप में देखती हैं, पहचान भी नहीं सकती। इसलिए इनको मेटेरियल आंखें, प्राकृत नेत्र कहते हैं, ये भगवान को देख नहीं सकती। अब शास्त्रों में जो कहा गया है, जतोवान भूतानि इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अभिशम्पिशम्ति तद्भी जिज्ञासु तद्ब्रह्म। ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, जिससे यह सारा विश्व, सारे प्राणी सब निकले हैं, और जो सबका जीवन दान करता है, सबका प्रतिपालन करता है, सबकी व्यवस्था करता है, और अंत में प्रलय के बाद में सभी जिसमें समा जाते हैं, वो ब्रह्म है। कोई भी चीज में कॉज एंड एक्शन थ्योरी एक होती है, कार्य कारण बात। कोई भी चीज बीज से पैदा होता है, आम की गुठली से ही आम का पेड़ होगा, चने के बीज से चना होगा, गेहूं के बीज से गेहूं होगा, जैसा बीज होगा वैसा ही वो होगा। आम का बीज बो दो तो वो पीपल नहीं बनेगा, आम ही निकलेगा। गेहूं से चना नहीं बनेगा, चावल नहीं बनेगा, गेहूं से गेहूं ही होगा। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कॉज एंड एक्शन थ्योरी से, ये कारण नहीं होने से कार्य नहीं हो सकता। और जो कार्य जो दिखता, अभी जो दिखता है इतना रूप, इतने रूप दिखते हैं, इतने पेड़ पौधे जीव जंतु जो देखते हैं संसार में, ये सब उन्हीं से आए हैं। कोई एक शक्ति है, कोई कुछ है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो उसमें भी ये रूप जरूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। पुत्र पिता का जैसा शरीर है वैसा ही होगा, माता और पिता दोनों काले हैं तो बेटा कैसा होगा, वो भी काला होगा। और माता पिता में से कोई एक गोरे हैं तो हो सकता है कोई गोरा या काला लड़का हो, और ऐसे ही हाथ मुख जैसे उनका है वैसे होगा। यदि गाय है तो उसका बेटा कैसा होगा, बछड़ा, आदमी जैसा होगा, नहीं होगा। तो प्रत्येक बीज में उसकी पोटेंसी होती है एक, जो दिखाई नहीं पड़ती। तो इस ब्रह्म में जिसे ये जगत पैदा हुआ इतना रूप, उसमें रूप नहीं होता तो ये रूप कहां से आएंगे। यदि वह जीरो है, उसका रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, तो विचार तो करो, तो ये कैसे हो गया। डार्विन की थ्योरी अत्यंत भ्रामक और गलत है, वो ठीक नहीं। जब बंदर से मनुष्य हुआ, ये सब गलत बात है। ये जितने भी ये देखे जाते हैं, ये सब ब्रह्म में ये सब रूप हैं, और उनका रूप है। यदि कहो ये प्रश्न आए कि जितने भी रूप देखे जाते हैं तो उनका तो जन्म होता है फिर वो मर जाते हैं, तो यदि ब्रह्म का रूप मान लें तो उनका भी जन्म हुआ फिर वो मर जाएंगे, क्योंकि उनका शरीर है। ऐसा सोचना गलत है।
ऐसा नहीं होता। ब्रह्म जो है कभी जन्म नहीं लेते, मरते नहीं, उनका शरीर नित्य है। इसलिए कहा गया अवतार। अवतार माने क्या? जो उतरते हैं। कहां से उतरते हैं? जहां उनका नित्य धाम है वहां पर नित्य उनका वो शरीर है और वहीं से उतरते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अवतार। अवतार यह नहीं कि उनका कोई रूप नहीं था फिर रूप धारण कर लिया, ऐसा नहीं। उस रूप को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो चिन्मय रूप है। किंतु भगवान अनुग्रह करके अपनी योग माया से जब वो अपना रूप दिखला देते हैं तो आंखों के सामने उतर जाते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। कृष्ण पहले नहीं थे और पीछे हुए हैं, ये गलत बात। योग माया के प्रभाव से हम लोगों के आंखों के सामने जब दिखाई पड़ते हैं तो उनको हम देखते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। रामचंद्र जी को भी ऐसे ही, वो पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनका रूप जो धारण किया ऐसा नहीं, उनका रूप है ही है। वो न कभी मरते हैं न फिर जन्म लेते हैं। तो वो चले गए, जो चले गए उन्होंने जो माया को थोड़ा सा हटा दिया, अब उनको हम देख नहीं सके तो कहते हैं जो अपने धाम में चले गए। अभी भी सर्वत्र हैं किंतु देख नहीं पाते। यदि कहिए कि उनका रूप भगवान का नहीं है और जब भक्त लोग बुलाते हैं तब आते हैं, ऐसा नहीं, उनका रूप है। जब प्रार्थना करते हैं वो दर्शन दे देते हैं, कुछ दिनों के लिए क्रीड़ाएं करते हैं और फिर अपने धाम में प्रवेश कर जाते हैं। यह थ्योरी है, ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं है। फ्रॉम जीरो एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड, यह गलत है। देयर मस्ट बी समथिंग एंड व्हाट दैट समथिंग इज, वो क्या है? पूर्णम मदह, पूर्णम इदम, पूर्णात पूर्णम उदोच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। वो पूर्ण है, उसे जितना भी बाहर करो तभी पूर्ण रहेगा और जो निकाल लिया वो भी पूर्ण रहेगा। इसलिए ब्रह्म जो है वो पूर्ण है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इस थ्योरी को समझिए। वो इन्फिनिटी से भी वो पूर्ण है, उससे जो कुछ भी निकलता है तभी वो पूर्ण है, जो निकलता है वो भी पूर्ण है। अद्भुत बात है ये, वो जीरो नहीं है जो कभी जीरो था, ऐसा मत समझिए। इसलिए नथिंग से कोई चीज नहीं हो सकती, यदि होती तो आजकल नए नए मनुष्य से भी और कोई दूसरा कोई जानवर पैदा हो जाता, आदमी पैदा हो जाता, कोई और अद्भुत चीज हो जाती। करोड़ों वर्षों से कोई चीज पैदा नहीं हुआ दूसरा, क्योंकि उनका जो रूप है भगवान में उनमें सब तरह की पोटेंसी है रूपों की। और उनका नराकृत जो श्याम सुंदर मदन मोहन जो रूप है, नव किशोर नटवर जो रूप है, यही उनका मूल रूप है और इसी रूप से सभी कुछ निकला है। इस चीज को ठीक से रखें। इसलिए उपनिषद में भी, वेदों में भी, सर्वत्र गीता भागवत सर्वत्र यही कहा गया है, अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वात्। अरूपवत एव ही न रूपवत, भगवान अरूप नहीं है, उसको देखते नहीं है, इसलिए आप कहते हैं, क्योंकि आपकी आंखें ऐसी नहीं है जो देख सकें। आप तो हृदय में आत्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा को क्या देखें? वो तो साधन के द्वारा होता है। आप कह सकते हैं कि यहां आग है कि नहीं? आग है, यहां सर्वत्र आग है। एक पत्थर को पत्थर लीजिए, उसको रगड़ दीजिए, आग निकल जाएगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आग नहीं है, किंतु साधन के द्वारा वो आग दिखाई पड़ती है। ऐसे ही साधन के द्वारा वो दिखाई पड़ते हैं, हैं नित्य। और जब हमारा साधन पूर्ण हो जाएगा तो सर्वत्र उनको हम देख सकते हैं। शरीर में आग नहीं रहती तो ये हजम नहीं होता, हम जो कुछ खाना खाते हैं वो पच नहीं पाता। कभी कभी बुखार जब होता है तो आग की ताप कुछ समझ में आती है,
इसलिए सर्वत्र आ गए। वैसे ये ब्रह्म सर्वत्र हैं, उनका रूप है हम इन आंखों से नहीं देख सकते। हमारे वेदों में तो शास्त्रों में तो ये लिखा है, ओम तदविष्णुम परमं पदम सदा पश्यन्ति देवीव चक्षुरातथम सदा पश्यन्ति। जो मुक्त महापुरुष हैं वो नित्य पश्यन्ति, पश्यन्ति माने क्या, देखते हैं आंखों जैसा देखते हैं, हैं? यहां पर लिखा है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है इसमें नहीं लिखा। हम हिंदुओं की शास्त्रों की तो बात छोड़िए, वेद उपनिषद शास्त्र गीता भागवत, ऐसा कोई शास्त्र मोहम्मदन शास्त्र में, मुस्लिमों का भी कोई शास्त्र नहीं है जो कि कुरान कहते हैं, और क्रिश्चियनों का भी शास्त्र बाइबल है, उसमें भी लिखा मैन, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। यदि बाइबल कोई पढ़ने वाले हो तो देख लेंगे, उसमें लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, जैसा उसका रूप था ऐसे ही उन्होंने मनुष्यों को पैदा किया। देखो बाइबल में भी है। दूसरी बात, जो ईसा मसीह हैं, यीशु क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट जो हैं, वो कहा जाता है कि ये भगवान के, गॉड के पुत्र थे, क्राइस्ट के पुत्र माने जाते हैं। तब पुत्र का जैसा रूप है क्राइस्ट जीसस का, तो उनका बाप का फादर का रूप कैसा होगा, कुछ रूप होगा कि नहीं, नहीं तो कैसे पैदा हो गए, जीरो नहीं तो हुए, जरूर उनका कोई फादर है। तो उनका फादर कौन है, वो क्राइस्ट को कहते हैं। क्राइस्ट माने क्या, क्रिस्टस कोई शब्द है लैटिन में, क्रिस्टस, क्रिस्टस कहां से आया, हमारे ये यीशु जिसा मसीह ये गए थे भारत में, वाराणसी में गए, मथुरा में गए, जगन्नाथपुरी में गए, अपने बचपन की स्थिति में, युवा अवस्था में, और भारतीय संस्कृति का प्रभाव उन पर पड़ा, और तब ये क्राइस्ट शब्द आया कृष्ण से, कृष्ण क्रिस्टस क्रिस्ट कृष्ण क्राइस्ट लोग बने, एक ही है अपभ्रंश। जैसे हम कृष्ण को कभी कन्हैया, कानू, कैस्टो, कृष्ण ये कहते हैं, ऐसे धीरे 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 बहुत दिनों से बिगड़ते बिगड़ते शब्दों का अपभ्रंश होते हुए वो क्राइस्ट माने कृष्ण से आया, इसलिए कृष्ण के बेटे हैं ये, उनके मैसेंजर्स हैं। इसलिए बाइबल में भी ऐसा लिखा गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, ये जरूर मानना पड़ेगा। दूसरी बात, किसी न किसी रूप से मानते हैं, मुस्लिमों में भी कुरान में हदीस में लिखा गया इन्ना अल्लाह खलका मिन सूरत ही, खुदा तल्ला ने अपने सूरत के अनुसार में मनुष्यों को बनाया। यहां पर भी देखो, भले ही न माने लोग, किंतु तब तो उनको बाइबल और कुरान से ये शब्द हटा देना चाहिए। पैगंबर किसको कहते हैं, दूत को, तो ये उनके पैगंबर है। किसके पैगंबर, जिसका कोई रूप नहीं उसका पैगंबर नहीं, वो भी बड़े दयालु हैं, खुद हैं, खुदा माने क्या, खुद, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जैसे हमारे भारतवर्ष में ऐसे कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, किंतु उनका रूप नहीं रहने से बाइबल में नहीं होता और इसमें भी नहीं रहता। आप बौद्धों में देखेंगे हजारों जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां 12 फीट 14 फीट 20 फुट की मूर्तियों को बनाते हैं, जैन लोग भी ऐसा करते,
यदि भगवान का रूप ही नहीं है तो चर्च किस लिए बने, किस लिए चर्च बने? खुले आकाश में उनकी उपासना कर लेते, चर्च बनता है किस लिए? उनकी उपासना के लिए क्या जरूरत, क्या आकाश, खुले आकाश के नीचे? और निराकार का ध्यान क्या होगा? निराकार जो शब्द है इसमें ही आकार है, निय जो है उपसर्ग कहलाता है, और उसमें आकार पहले रूप से अरूप, आकार से निराकार इत्यादि शब्द बनते हैं, गुण से निर्गुण बनता है। इसलिए गुण, आकार, रूप ये सब मौलिक शब्द है, इसलिए भगवान का रूप है। भगवान का रूप नहीं है ऐसा, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जो भगवान का रूप नहीं है ऐसा कहा गया। किंतु रूप दो एक तरह के, एक ये पार्थिव रूप मैटेरियल बने हुए, जिनको ये आंखें देखती है उसको भी सूर्य की रोशनी या किसी रोशनी की सहायता से, और साधारण लोग भगवान के अप्राकृतिक को रूप को नहीं देख पाते, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। जब वो अपने को समझेंगे मैं चेतन वस्तु हूं तो सर्वत्र ही भगवान का रूप देख सकेंगे। इसलिए कृष्ण और राम इत्यादि हैं ये स्वयं भगवान है। कृपा करके अपने रूप को जब प्रकट करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं, ऐसा मत समझेंगे कि ये भगवान नहीं है। तो प्रश्न कोई कर सकता है ऐसा, और सब धर्मों में तो एक भगवान माने जाते हैं, हमारे यहां बहुत से भगवान क्यों? क्यों बहुत से भगवान? और बहुत से देवता देवियों की पूजा होती है, तो सनातन धर्म में कोई एक खास देवता देवी नहीं है जिसकी पूजा करें। कहते हैं कि तुम ये अज्ञानता के कारण में कह रहे हो। यदि किसी कॉलेज में केवल एक ही स्कूल, एक ही क्लास रहे तो पढ़ाई होगी? एक ही क्लास है मान लिया और दूसरा कोई क्लास नहीं है तो आदमी अधिक शिक्षित नहीं हो सकता। हमारा भारतवर्ष में सनातन धर्म में बहुत सी सीढ़ियां स्तर है, भगवान एक ही हैं, दो नहीं हैं। किंतु अपने भक्ति के तारतम्य से हम उसको बहुत रूपों में देखते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, खूब अच्छी तरह से समझेंगे और तब भी भगवान की कथाओं में मजा आएगा, आनंद आएगा, ऐसे नहीं। जैसे चंद्र एक है, दो चंद्र है कि एक है? विश्व में, सारे विश्व में एक ही चंद्र है ना। पूर्णिमा के दिन में वो पूरा दिखता है और दूसरे दिन फिर अमावस्या में वो दिखता नहीं, प्रतिपद को एक कला उसकी दिखती है, फिर दो कला, तीन कला, चार कला, चतुर्थी में चार कलाएं, और धीरे 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 अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी में उसकी बहुत सी कलाएं दिखती हैं। तो चंद्र इतने हैं, मूर्ख लोग कहेगा कि वो द्वादशी के दिन में ये दूसरी चंद्रमा है और पूर्णिमा के दिन में दूसरी है और तृतीया और चतुर्थी में दूसरी चंद्रमा है और दूज के दिन जो जो दिखती है वो अलग है, चंद्र अलग नहीं है। यदि आप आकाश में एक ऐसे स्तर में उठ जाएं जहां पर पृथ्वी की छाया चंद्र पर नहीं पड़ती है, आपको प्रतिदिन ही पूर्ण एक ही चंद्र दिखाई पड़ेगा। उस समय आपको एक, दो, तीन, चार ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, एक पूरा दिखाई पड़ेगा। किंतु पृथ्वी और चंद्र और सूर्य घूमते हैं और इनकी घूमने की धुरी ऐसी है, एंगल ऑफ विजन वहां से जो बनता है प्रतिदिन उसमें अंतर होता है और चंद्र में कलाएं दिख पड़ती हैं, इसलिए चंद्र अलग अलग नहीं। इसी प्रकार से भक्ति के तारतम्य से जिसमें जितना भक्ति या प्रेम है, श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो अपनी भक्ति के तारतम्य से, उपासना के तारतम्य से एक ही कृष्ण को बहुबुद्ध, कभी राम के रूप में देखता है, कभी नृसिंह के रूप में देखता है, कभी और भी जितने भी भगवान के अवतार को देखता है। यदि चंद्र है तो तारा भी रहेंगे,
ये तारा क्या है? ये देवता समूह, उनकी शक्ति है। भगवान की शक्ति ये अलग कोई तत्व नहीं है। इसलिए जो कि अज्ञानता में के प्रथम स्तर में होता है वो कुछ तामसिक स्वभाव का होता है। वो भूत पिशाच प्रेत और तामसिक देवताओं की उपासना ये पहली सीढ़ी है सनातन धर्म की। उसके विश्वास को नष्ट मत करो। जपन न देवता जजंते श्रद्धयान्वित अपिमाम कंते व जजंती अविधि पूर्वक। जितने भी प्राणी हैं घास तक भी उनकी भी उपासना हमारे लोग करते हैं। किस लिए? भगवान उनमें है, उनका निरादर मत करो। एक चींटी का भी निरादर मत करो, सब में भगवान है। किंतु भगवान हैं, किंतु उनकी उपासना जो पृथक रूप में जो कर रहे हो, ये उपासना की पद्धति जो है ये थोड़ी सी अविधि पूर्वक है, विधि नहीं है। जैसे हम मुख में पानी देते हैं, पी लेते हैं, भोजन देते हैं। यदि हम कहें कि हम आंखों को देंगे, आंख को चीर करके दूध डालो तो आदमी मर जाएगा, पेट को चीर करके दो मर जाएगा। इसी प्रकार से मुख में पानी दो, मुख कौन है? वही कृष्ण है, राम है, भगवत तत्व है। पृथक पृथक देवता देवियों की पूजा करने से भगवान की ही पूजा हुई, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो कुछ देते हैं। किंतु ये पूजा थोड़ी सी उल्टी हो गई, अविधि पूर्वक हो गई। यदि भगवान की पूजा करे तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, उनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। एक कृष्ण की पूजा करने से जितने अवतार हैं, जितने हैं देवता देवी, सबको पूजा हो जाती। जैसे घर में थोड़ी सी मिठाई किसी को मिली और उसने घर की जो मालिकनी है, पत्नी है मालिक की, उनके हाथ में दे दो तो वो बच्चों को बराबर बराबर रूप में सबको घर वालों को बांट देगी और सबको दे देगी। और एक बेटे को दे दो तो क्या करेगा? सब हड़प जाएगा, वो दूसरों को नहीं देगा। एक छोटा सा बेटा है, उसके हाथ में एक लड्डू दो और उसे मांगो तो रोने लगेगा, वो नहीं देगा। किंतु मैया को दे दो, प्रोपोर्शन रूप में सबको बांट देगी। ऐसे ही एक कृष्ण को पूजा करने से सारे देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सारे वो लोग ही भगवान के दास दासी और शक्ति हैं। जो नहीं जानते वो देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है करने दो। आगे वो साधुओं के संग में समझ करके आगे बढ़े। इसके बाद में जो लोग ब्रह्मा शंकर महेश इत्यादि की पूजा करते हैं, करने दो, वो लोग मेरी ही पूजा करते हैं, भगवान की ही पूजा करते हैं। शंकर जी, शंकर जी हैं क्या? भगवान के दासों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव में है, भगवान की शक्ति है, भगवान ने ही उनमें शक्ति संचरित की है। किंतु थोड़ा सा देखो विचार करके, रावण शंकर जी की पूजा करता था, कंस शंकर जी की पूजा करता था, हुआ क्या? मारा क्यों गया? वो अशुभ ब्राह्मण होने पर अशुभ क्यों कहा गया? शंकर जी बचाए क्यों नहीं? इसलिए शंकर जी को भगवान का दास मान करके, वैष्णव दास मान करके उनसे मांगो सब कुछ दे देंगे, ये पूजा विधि पूर्वक है। और उनको भगवान मान करके पूजा करोगे तो भस्मासुर की जो दशा हुई, कंस की दशा हुई, रावण की, कुंभकर्ण की और हिरण्यकश्यप इत्यादि की जो दशा हुई, वही दशा तुम्हारी होगी। इसलिए समझ बूझ करके करो। विष्णु की उपासना भी, लाखों लाखों विष्णु, लाखों लाखों ब्रह्मा, लाखों लाखों महेश शंकर जिनसे पैदा होते हैं, जिससे प्रकाशित होते हैं, वो मूल तत्व भगवान कृष्ण एक है। इस चीज को समझा जाए तब जो राजसिक हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि देवताओं की, गणेश की पूजा करते हैं। किंतु गणेश की पूजा करने से कैसे देते हैं? उन्होंने राम नाम लिखा, उसको तीन बार परिक्रमा कर ली, विश्व की परिक्रमा हो गई और तब देखो जो जगत में पूज्य बन गए। इन चीजों को समझना चाहिए। जो इससे ऊपर हैं वो सात्विक हैं, निर्गुण हैं। निर्गुणों क्या करते हैं? राधा कृष्ण की या राम सीताराम की
ये सब उपासनाएं करते हैं। किंतु ये सारी उपासनाओं का मूल क्या है? रूप सब में है, कोई भी अरूप नहीं है, इस चीज को समझो। इसीलिए इस विषय में तो और भी बहुत कुछ कहना था, किंतु समय कम है, फिर कभी 5-7 दिन के लिए हम आएंगे, आप लोग व्यवस्था करेंगे इनका का विशद रूप में बतला करके, इन उपासनाओं की पद्धति और जो विचार हैं उनकी लीलाएं हैं हम बतलाएंगे। सीता जी, रामचंद्र जी की उपासना शंकर जी किए थे, ये तुलसी कृत रामायण में, वाल्मीकि रामायण में खुद लिखा। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकले हैं, और वो जगत की सृष्टि कैसे करते हैं? जैसे बड़े बड़े कारखानों में कहीं से इंजन मंगाया, कहीं से वो पुर्जा मंगाया और सब मिला करके एक कंपनी का नाम रख करके एक मोटर कार तैयार कर दी। ब्रह्मा जी उसी तरह से भगवान के बनाए हुए क्षित जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व और सब को लेकर के जोड़ करके मनुष्य का ये जड़ शरीर बने, आत्मा को नहीं। इसलिए इन सब देवताओं की उपासना होनी चाहिए, किंतु ऐसा करना चाहिए जिसो की शास्त्र सम्मत हो। इसलिए भारतवर्ष में श्रेणी बनाए गए, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो भी सनातन धर्म में ही हैं, वो से अलग नहीं है, किंतु अभी नीचे के क्लास 1 में है। उसे ऊपर जो विशेष विशेष देवताओं की पूजा करते हैं वो कुछ राजसिक हैं, अपने धन जन पुत्र परिवार के लिए उनकी उपासना, ये राजसिक हैं। उनसे सात्विक वाले जो हैं और ऊंचे हैं, और राधा कृष्ण की संपूर्ण रूप में जान करके तत्व से आराधना करते हैं, भगवत प्रेम के लिए, भगवत सेवा के लिए, ये निर्गुण उपासना कहलाती है। किंतु सब में रूप की स्वीकृति जरूर है, इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन किया गया है। उस ब्रह्म को देखने की पद्धति क्या है? सबसे पहले हमारे यहां श्रीमद् भागवत में और उपाख्यानों के बाद में ध्रुव जी का उपाख्यान बदलाया गया। ध्रुव जी को चोट लगी थी, किस चीज की? मैया की बात की, जाओ तुम मरो, हमारे गर्भ में आओ, और फिर जन्म लेकर के तुम राजगद्दी पर अपने पिता की गोदी में बैठेगा। अच्छा, रोने लग गया, फिर माता के उपदेश से कैसे क्या किया और कैसे भगवान का दर्शन किया, उनकी कृपा से सहज ही विश्व का वो सम्राट बन गया, और अंत में मुक्ति भी मिल गई, भगवान का परम धाम को प्राप्त हो गया। हमारे श्रीमान नवीन जी आप इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें, 5 से 10 मिनट बस। गुरुदेव जी आदेश दिया, कैसे ध्रुव महाराज जी भगवान को लाभ किया, इस पर प्रकाश डालने को आदेश मिला। प्राचीन काल में सत्ता युग में उत्तरमार नाम के एक राजा थे, उनके 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति, दूसरी की नाम सुरुचि। सुनीति अर्थात जो अपने बच्चे को जगह को शिक्षा देती है कि गुरुजनों को सम्मान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे जो शिक्षा देती है उनको कहा गया सुनीति। और सुरुचि जो अच्छे से खाओ, ऐसे जिसकी रुचि है अच्छे से खाने पीने में, भगवत भजन में, गुरुजन में जिसका आदर नहीं है, इसको कहा गया सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, तो सुनीति का पुत्र था उत्तम। एक दिन राजा उत्तम पर रानी सुरुचि के साथ बैठे हुए थे, उत्तम भी बैठा हुआ था। ध्रुव को देखकर के इच्छा हुई, मैं भी क्यों ना अपने पिता के गोद में जाके बैठूं। अपने पिता के गोद में बैठने के लिए आए, आते ही उनकी सौतेली मां
सुरुचि ने कहा, अरे ध्रुव तू क्या पिता गद्दी में बैठेगा, जा तू पहले मर, मर करके मेरा पक्ष जन्म ले तभी तू पिता के गद्दी में बैठ सकता है। ये सब सतेली माँ का वाक्यवान छोटा सा बच्चा हृदय में चुप गया। रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया, रोने लगे। सुनीति उनको मनाने के बहुत कोशिश की, उन्होंने माने नहीं। जब उनको पता चला कि उनकी सतेली माँ के वाक्यवान से विद्ध होकर के बच्चा रो रहा है, तब बताया, बेटा ये छोटा सा इस बात के लिए रो रहा है, तुम एक काम करो, तुम जगत के जो पिता है भगवान हरि की आराधना करो, उनके गोदी में बैठने पर सबके गोदी में बैठना हो जाएगा और कुछ बाकी नहीं रहेगा। सुनते ही उनको मन में कुछ आशा जगी, रात में माँ के गोदी में सो गया। माँ तो सो गई, बच्चा सोए नहीं। रात में उठ के आए जंगल में, आके मथुरा में जमुना में जो ध्रुव घर, वहीं पर स्नान किया। स्नान करके भगवान पद्म पलाश वचन हरि के लिए तपस्या शुरू कर दी। सोचेंगे कैसे वो मिलेंगे, कैसे शुरू करेंगे भगवान को भजन के लिए। शास्त्र में कहा गया, बिनु गुरु भवन थी तरे न कोई, जो विदिंची शंकर सम होई। भगवान को भजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिनु गुरु भवन थी तरे न कोई, बिना गुरु जी की कृपा के सिवाय कोई भी भगवान को लाभ नहीं कर सकते। हमें किसी विषय में एक्सपर्ट होने के लिए स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, या टीचर का प्रिंसिपल का डीन का अनुमति स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। हम हारमोनियम बजाएंगे तभी किसी के पास जाना पड़ेगा, तो भगवत भजन करेंगे ऐसे बिना किसी के अनुमति स्वीकार किए हो जाएगा। जो एक्सपर्ट हैं, जो इस विषय में एक्सपर्ट है उनके पास, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, कौन है जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। उसके चरण में अनुभव उनको अपने को नछावर करना पड़ेगा, तभी हम सीख सकते हैं। ऐसे ध्रुव महाराज जी खुद सोच रहे हैं क्या करूं। इतने में भगवान ने नारद, भगवान तुम तो दयालु हैं, भगवान ने कहा, नारद तुम मथुराधाम में जाओ, मेरा एक भक्त भजन करना चाहता है, ये उनका गुरुकरण नहीं हुआ इसलिए वो भजन ठीक से नहीं कर पा रहा है, तुम जाओ। भगवान नारद ऋषि को भेजा, नारद ऋषि ध्रुव महाराज जी के पास आए, बोले बेटा तुम इधर जंगल में क्या करने के लिए आए हो। बोले मैं हरि का भजन करने के लिए आया हूँ। बोले अरे छोटा सा बच्चा तुम क्या भजन करोगे, सब तुम्हें काटेगा, सेठ निकल जाएगा, अरे जाओ वापिस जाओ। पर कुछ भी हो मैं तो भगवान के भजन करूंगा ही करूंगा, ऐसे डू और डाई, करूंगा या मरूंगा, करो या मरो, ऐसे ही व्रत होना चाहिए, तभी हम भजन भगवान को भजन कर सकते हैं। तो नारद ऋषि कैसे थे, उसके लिए कहा गया गुरु के लक्षण में, तस्मा गुरु प्रपद्ये जिज्ञासुषे उत्तम शब्दे परिष्णातम ब्रह्मस्वयं। तस्मा गुरु प्रपद्ये, कोई भगवान का भजन करना चाहते हैं गुरु जी के चरण में जाना पड़ेगा। गुरु कैसे हैं, गुरु का लक्षण शास्त्र में बता रहा है, शास्त्र में हम देखते हैं क्या, शास्त्र पढ़ेगा निष्णातम, कैसे है समस्त शास्त्र में पारंगत, शिष्य के अंदर किसी प्रकार भी संदेह हो, संशय हो, प्रश्न हो, तुरंत निराकरण कर सकते हैं। दूसरी बात उपसमास स्वयं, जगत के जितने प्रकार के आशा इससे, जगत की जो सुख दुख है जो आशा इससे उपरत है, हम जो चाहते हैं, हम जो सुख भोग चाहते हैं, अगर गुरु भी वही चाहते हैं तो हम सुख बड़े कैसे हुए, इसलिए गुरु जी ऐसे भोग में लिप्त नहीं है। जो सदगुरु होते हैं ये जागतिक भोग में लिप्त नहीं रहते, और ब्रह्म में जो ये तो बाहरी लक्षण बताया गया, आभ्यंतरीय लक्षण क्या है, पर ब्रह्म निष्णात भगवत अनुभूति संपन्न, जो भगवान को दर्शन कर चुके हैं अपने भक्ति के द्वारा, भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखा है, वही सदगुरु हैं। जिसके अंदर ये भगवत अनुभूति नहीं है
इसलिए नारद ऋषि ये समस्त गुण संपन्न है, भगवान को भगवान के दर्शन कर चुके हैं, इसलिए दूसरे को दे सकते हैं भगवान को। जैसे आप किसी धनी के पास जाइए, उनको उनके पास $1,000 है, आप $1,00,000 उनको मांगेंगे कैसे देंगे? ऐसे जो भगवान है, जो भगवान को दर्शन नहीं किया है, वो दूसरे का दर्शन नहीं करा सकते, भगवान को दूसरे के हृदय में, शिष्य के हृदय में नहीं दे सकते। जो भगवान को दर्शन कर चुके हैं, भगवत अनुभूति संपन्न, दर्शन के अनुसार सभी अनुभूति है, भगवत अनुभूति संपन्न, और ये दो गुण पहले बताया जिसमें है वही सदगुरु है। नारद जी से मंत्र प्राप्त करके ध्रुव महाराज, नारद जी ने मंत्र उनको दिया, भगवान नारद जी से उनको ध्रुव महाराज को मंत्र दिया, और उपासना की पद्धति भी बतलाई, और कैसे उपासना किया जाएगा इसका पद्धति बता दिया। नारद जी से मंत्र और उपासना का पद्धति लाभ कर ध्रुव महाराज जी तक उपासना करने लगे। 6 महीने में उनको दर्शन मिल गया। पहले तो वो कुछ भजन करते थे, पीछे केवल पेड़ के पत्ते लेते थे, वो भी छोड़कर के सूखे पत्ते, उसको भी छोड़कर के केवल पानी, उसके बाद 15 दिन में एक बार सांस लेना, इसकी सांस लेना की जब सांस को भी रोक दिया तब पृथ्वी में कंपन होने लगा। तब भगवान तो रहा नहीं गया, उनके सामने आके प्रकट हुए, उनको दर्शन दिया, पहले हृदय में प्रकट हुए, फिर आंख खोल के देखा, सामने दर्शन दिया, कौन से देखा, प्रेमांजन भक्त किचिल विलोचन संत सदैव हृदय से विलोकयंती जन श्याम सुंदर वचिन गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कैसे देखा, प्रेमांजन भक्त किचिल विलोचन इस आंख से नहीं देखा, भजन करते करते उनको जो प्रेम रूपी जो आंखें हैं उनको खुल गई, उस आंख से देखा, इस आंख से भगवान हम दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे प्रेमांजन चित्त भक्त विलोचन ही न, प्रेमांजन रूपी आंख से उनको देखा। इसमें ये क्या, इसमें शिक्षा क्या है कि भगवान का रूप है तभी तो देखा, अगर भगवान का रूप ना होता रूप कैसे दर्शन करते। इसलिए भगवान स्वयं रूप है, इसलिए भगवान का नित्य रूप है, उसी रूप को दर्शन किया, दर्शन करके उस स्तुति करना चाहा, उन रूप में कुछ निकल नहीं रहा क्या करें, तब भगवान कृपा करके जो शंख चक्र गदा पद्म लेके दर्शन दिया था वो शंखों के स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराते ही ध्रुव महाराज जी तपस्या कर उनको स्तुति करने लगे। ध्रुव के महाराज के मन में इच्छा थी कि मैं पिता का राज्य भोग करूं, भगवान का दर्शन अमोघ है। भगवान ने उनको बताया तुम इस पृथ्वी तल पर 36,000 साल तक ये तुम राज्य भोग करोगे। तब ध्रुव महाराज जी की आंखें खुली, कहो मैं तो भगवान को भजन करने के लिए आया, मेरा मन में ऐसे क्यों था कि मैं राज्य भोग करूं, ये तो ठीक नहीं, ओह मैं तो काज पूछने के लिए आया था, एक काज का टुकड़ा ढूंढने के लिए, मुझे चिंतामणि मिल गई, मैं चिंतामणि को छोड़कर के काज में रह गया, ये तो ठीक नहीं। तो ध्रुव महाराज जी हया करने लगे, तब बताया भगवान ने देखो मैं जो कह दिया ये तो होगा ही, ये 36,000 साल ये राज्य भोगने के उपरांत तुम हमारा धाम को प्राप्त करोगे। जो भगवान इसमें दिखाई एक शिक्षा देते हैं, जो भगवान को भजन करते हैं ये कभी भी दरिद्र नहीं होते हैं, भगवान को भजन करने वाले इस जगत में भी सुखी हैं, पर जगत में भी सुखी हैं। एक समय की बात युधिष्ठिर महाराज जी कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण मैं आपसे कुछ गौर मांगना चाहता हूँ। कृष्ण हंसते हुए कहा, अच्छा क्या वर चाहते हो तुम? बोले हे प्रभु आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो मुझे एक वर दीजिए कि मैं ऐसे सम्राट बनूं जो पृथ्वी में ना हुआ ना होगा, मुझसे बड़ा राजा कभी नहीं हुआ है ना कभी होगा, और मेरी पत्नी हो वो विश्व सुंदरी हो, ऐसी इतना बड़ी सुंदरी मनुष्य घर में कोई ना हो। भगवान ने कहा यमस्तु, कृष्ण यमस्तु कहा करके पूछा हंसते हुए, अच्छा युधिष्ठिर तुम ऐसे बात क्यों मांगा, क्या बात है? युधिष्ठिर महाराज जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु जगत के लोग सोचते हैं जो कृष्ण के भजन करने वाले वो भीख मांगते दरिद्र होते हैं, मैं जगत को दिखाना चाहता हूँ, देखो मैं भगवान कृष्ण का भजन किया, मेरे समान धनी जगत में कोई हुआ ना होगा, मेरी जो पत्नी द्रौपदी इतनी सुंदरी जगत में कोई नहीं हुआ।
ये देखा नहीं कि मैं जब आपसे एक बार मांगता हूँ भगवान ने कथा सु इसमें भगवत में श्लोक है अकाम सर्व काम मोक्ष काम उधार अधिक तीव्रेण भक्ति जो जजते पुरुषम परम आपको कुछ कामना हो न हो जितने प्रकार कामना हो सकता है ये भी कामना करें भगवान को भजन करने पर सब कामनाएं पूरा तो हो जाएगी ही फिर भी आप भजन के उपरांत भगवत धाम को प्राप्त करें आप करेंगे और कभी भी ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा और नित्य काल सुखी शांति उपभोग करते हुए भगवान का भजन करेंगे और आपको इस जगत के जो सुख दुख यतीता आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक इस ताप में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवत असम शास्त्र में शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का भजन करो तभी सुख शांति मिलेगा, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से जिस गुरु ने भगवत अनुभूति की है ऐसे गुरु जी के उस प्रोसेस को जान करके उस उपासना की पद्धति से, उपासना माने क्या, उपासन, भगवान के निकट हम भी पहुंच करके उनको देख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उसको कहते हैं उपासना। तो जिसने कभी उपासना नहीं की, जो अर्थ इत्यादि में फंसा रह गया, जो संसारी कर्मों में फंसा रह गया, जिसको भजन करने का समय नहीं है, जो कि भगवान के 5 मिनट नाम नहीं कर सकते, जो बार बार गिर जाते हैं, ऐसे गुरु से नहीं होगा। इसलिए कोई सचमुच में उपासना करने वाले गुरु हो और भगवान की कुछ अनुभूति हो तब तो हो सकता है। नारद जी ऐसे गुरु थे, एक को नहीं हजारों लोगों को उन्होंने भगवान का दर्शन कराया और जिसका जैसा है अधिकार है वैसा दिखलाया, ध्रुव जी को ऐसा दिखलाया, प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने शिक्षा दी और उन्होंने कैसा देखा, नृसिंह भगवान का दर्शन किया। कृष्ण का अपने हृदय में दर्शन करते हैं, कैसे दर्शन करते हैं है? इस तरह से हम देखते हैं क्या, वाल्मीकि जी को नारद जी ने ही कृपा करके मंत्र दिया और उन्होंने रामचंद्र जी का दर्शन किया। बिना सदगुरु के भाई उपासना पद्धति नहीं आती। मनमाने तरीके से स्कूल में न जाओ पढ़ो, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। लॉ पढ़ना है तो लॉ कॉलेज में जाओ, जो कि लॉ को जानते हैं उनके यहाँ। बिजनेस पढ़ना चाहते हो तो बिजनेस के कॉलेज में जाओ। यदि वकील बनना चाहते हैं तो वकालत पढ़ो। ऐसे नहीं होता है। इसलिए उपासना जानने के लिए जो उपासना की पद्धति है उनके पास में जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमने कुछ फूल चढ़ा दिए, दुर्गा जी को भी दिया, फूल ले लिया। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो एक टोकरी में फूल ले लिया और लेकर के जमुना जी में स्नान किया, हनुमान जी को दिया, काली जी को दिया, दुर्गा जी को, महेश को, गणेश जी को, सरस्वती को, वहां पर चंडी जी हैं और नई नई देवियां हैं, कौन कौन सी, संतोषी मैया और न जाने कौन कौन सी मैया निकल आती हैं, और सबको पूजा करते करते 11 बजे तक बिना भूखे बिना कुछ पानी पिए घूमते 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 और सोचते हैं कि आज घर वाले भी सोचते हैं जी ये तो 12 बजे तक कुछ खाया नहीं, अभी तक पूजा करते करते आ रही है। किंतु हुआ क्या, उसमें कुछ तत्व नहीं, कुछ बात नहीं। हाँ थोड़ी सी श्रद्धा है, यदि साधुओं का यदि संग मिल जाए उपयुक्त का और उनको समझा देते, वही श्रद्धा बदल करके भगवान की उपासना में लग करके वो भगवान का दर्शन कर सकते। ऐसे ऐसे जिस जैसा कर रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग हमसे मिले और उनको धीरे 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 ऐसे लगा दिया, वो परम भक्त बन गए। इसी तरह से प्रहलाद महाराज जी का चरित्र है, छोटे से 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान का भजन करना आरंभ किया। कैसे किया, नारद जी मिल गए, कैसे मिल गए और कैसे उपासना की, सर्वत्र भगवत दर्शन करते थे, जहां उनकी दृष्टि पड़ती थी वहीं पर भगवत दर्शन। और उनका पिता कहते थे यह भगवान का क्या है, अरे भगवान को तो मनुष्यों ने बनाया, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान को हमने लोगों ने
अपने एक भावना से भगवान को गढ़ दिया, ये भगवान है। भक्ति क्या, एक सेंटिमेंट है, मन की एक भावना है। अपने कुछ सांत्वना देने के लिए हमने एक मन से बना करके शिव जी को गढ़ लिया, भगवान को बना लिया। मनुष्य नहीं रहता, आप चिंता नहीं करता तो भगवान नहीं होते। इसलिए भगवान को अहम कोई चीज नहीं है, भक्ति कोई चीज नहीं है। खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, और ऐसा पाप पियन पियो ये जावत न पतति भूतले, ना नालियों में न गिर जाए और कुत्ते आकर के मुख न धो दे। मुख धोना जानते हैं ना, नाली में पड़ जाएंगे तो कुत्ते आएंगे पेशाब कर देते हैं मुख पर, उनको पता है नहीं। ये सब मूर्खता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी का चरित्र श्रीमान शुभानंद जी संक्षेप में तात्विक रूप में आप लोगों को श्रवण कराएंगे, आप खूब स्थिर चित्त से सुनेंगे। संक्षेप में बतलाना, तदनंतर उपस्थित पूज्य वैष्णववृंद, समस्त सज्जनों, माताएं बहनों, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम स्वीकार। अभी अभी आपने सनातन धर्म के विषय में श्रवण किया। सनातन धर्म का उपदेश भगवान की आराधना नास्तिकता को कहते हैं, जिस विषय पर भगवान ने इस संसार में मनुष्यों को बनाया, प्राणियों को बनाया, उसमें भगवान मनुष्यों को विशेष योग्यता प्रदान की। भगवान ने हमारे लिए बुद्धि, इंद्रिय, शक्ति सब कुछ दिया। उसके द्वारा मानव चेतनता का विकास करना है, न कि हम नीचे की ओर प्राणियों के श्रेणी में जाए। इसलिए कहा आसुरिक भाव के द्वारा, नास्तिकता के द्वारा कभी भी हम विकास नहीं बन सकते। जब हमारी बुद्धि आस्तिकता की ओर बढ़े, जब हम प्रभु को आश्रय करेंगे, जब हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे, तब हमारी बुद्धि स्थिर। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा, भगवान ने संसार में दो प्रकार के प्राणी की सृष्टि की। विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में एक ही प्रकार का संदेश, जो कि दो भूत सर्गौ लोके अस्मि दैव आसुर एव विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्य। दो प्रकार के प्राण समान, एक देवता दूसरे असुर। विष्णु भक्त स्मृतो दैव, जो भगवान का भक्त है, भगवान विष्णु की उपासना करता है, सबको मानता है, सबको लेकर के चलता है, वो तो देवता है। मनुष्यों में ही देवता दिए हैं और फिर मनुष्यों में ही दानव, जो कि ठीक उसके विपरीत। अपना पेट सर्वस्व, उदर सर्वस्व, खाओ पियो मौज करो, कैसे भी हो लूट मार दो, लूट मार कर सब प्राणियों की हिंसा कर दो, खत्म कर दो, बस केवल हमें ही। इस प्रकार के विचार वाले व्यक्तियों को असुर कहा गया है। यह देव और दानव, देवता और असुर केवल आदि नहीं, सप्तयुग से लेकर के विश्व समाज में, प्राणी सृष्टि में चलाया है, और इन्हीं का संघर्ष हमेशा रहा है और आएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत हमें यह संदेश दिलाती है कि हमेशा हम नास्तिकता की ओर न जा करके भगवत भक्ति की ओर देव श्रेणी में हमें प्रवेश करना है। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन नमाम दुष्कृति नो मूढ़ प्रबद्धन्ते नराधमा माया परहित ज्ञाना आश्रम भाव मास्ट नमाम दुष्कृति नो मूढ़ दुष्कर्म कार्य दुष्कृति पर आया। ऐसे व्यक्ति संसार में है,
वे लोग कौन है जो कि मूढ़ पशुतुल्य कर्मी, केवल खाना पीना भोग विलास दिन रात कर्म करना बस, दिन भर बाद लौटे आया सोया बस, कुछ पता ही नहीं। आत्म अनुभूति, आत्म चिंतन, भगवान का चिंतन करना, कुछ भजन साधन करना, अपने जीवन का कुछ कर्तव्य, सब इतिश्री हो गया है उनके जीवन में कुछ भी। इसलिए ऐसे मूढ़ और भी कहा नरात्मा मनुष्य जीवन मिला है, पढ़ लिख करके विकास की ओर बढ़ते हुए कुछ विकसित हुआ, मानवता आई, पर ऐसे क्षेत्र में ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां सारी मानवता को समाप्त कर दी, ऐसे गलत संग में, गलत पहमियों में, दुष्टों के साथ में असत संग में पड़ गया, जीवन को नाश कर दिया। नराधम, ऐसे व्यक्ति नराधम है जो कि भगवान का भजन नहीं करते, न उनको कोई होश है चेतना, माया अपने ही तक ज्ञान, माया के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान लुप्त तो हो गया है कि यही धन दौलत, खाना पीना भोग विलास, यही घर, यही विषय संपत्ति, इसी को पाकर के हम जीवन भर सुखी हो जाएंगे, चिर शांति चिर सुख को कायम करेंगे, इसी के लिए पढ़ेंगे विषय पाओ। इसलिए माया अपरिस्त आश्रम भाव आश्रित, बहुत से लोग हैं जो कि आश्रित भाव के हैं, उनको क्या है कि भगवान कहीं हो तो उनको मिटा दिया जाए, कि भगवान को, भगवान की शक्ति को हरण कर लिया जाए, ऐसे भी समाज में बहुत से लोग हुए हैं। अभी आपने श्रवण किया रावण कुंभकर्ण कंस जरासंध हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आदि हुए, जिन लोगों ने भगवान को मिटाना चाहा, हिरण्यकशिपु ऐसे ही थे जिसने कहा अरे भगवान विष्णु कौन है, वह आएगा तो मैं उसे मार दूंगा, इसलिए सभी दैत्यदानों से कहा जा सारी प्रजाओं को विनष्ट कर डालो, गायों को काट दो, जो कि एक भी गाय नहीं बचेगी और दूध भी नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगी, तो घी के बिना आहुति हवन भी नहीं हो पाएगा, और ब्राह्मणों को खत्म कर दो, समाप्त कर दो, खान जितने हैं, जितने खनिज संपदा है सबको समाप्त कर दो, और प्रजाओं में त्राहे त्राहे मच जाए सब जगह आ गया, और स्वयं हिरण्यकश्यपु विष्णु को मारने के लिए कि मैं उस विष्णु को मारता हूं आएगा भी तो हमारे सामने तो कोई रूप धारण करके आएगा, इसलिए वे निर्बल हो जाए, दुर्बल हो जाए, ये दुष्टों की बुद्धि, और हिरण्यकश्यपु ने उपासना की थी, ऐसी उपासना जो साधारण किसी मानव के लिए संभव नहीं, 60,000 वर्ष तक बिना खाए पिए मंदराचल पर्वत में जाकर के तपस्या की, जिसके शरीर पर दीमक का ढेर हो गया, पेड़ पौधों से जंगल भर गया, ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, पता नहीं चला कि कहां पर तपस्या कर रहा है, मंत्रपुत पानी से जब छिड़काया उसमें से दिव्य तेल धारण करके हिरण्यकश्यपु बाहर आया, उसे कहा हिरण्यकश्यपु तुमने ऐसी तपस्या की, न भूतो न भविष्यति, संसार में ऐसे न किसने किया और न कोई कर सकता, तुम वर मांगो कुछ चाहो। तब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं ऐसा वर मांगू कि जिससे मैं मरू नहीं पर भगवान विष्णु को मारता, यही उसका अभिप्राय था, इसलिए हिरण्यकश्यपु ने कहा कि प्रभु हमें वर देना है तो अमर वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा इस मानव देह में कोई अमर नहीं होता, ये पांचों होते शरीर है एक ही चला जाता, इसलिए तुम दूसरा वर मांगो। उसने सोचा अच्छा ब्रह्मा जी भी हमसे चतुराई करें, नहीं देना चाहते, हम तो ऐसे ही वर मांगेंगे जिससे कि मृत्यु को हम जीत लें, दिन में नहीं, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं और किसी भी प्राणी के द्वारा हमारे मृत्यु न हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा कितने ही दौड़ लगाओ, बुद्धि की दौड़ जितना ही लगाओ, भगवान की बुद्धि और भी परे है, तथा कह दिया। उसने सोचा हमने तो अमर हो गया, अब तो कोई चिंता नहीं, और अतुल ऐश्वर्य संपदा
योग्यता को प्राप्त किए, वरदान में सब कुछ मिल गया, घर में लौटे तो देवराज इंद्र का सिंहासन जीत लिया, छीन लिया, सारे देवताओं को अपने नौकर बना लिए, सबको काम में लगा लिया, पर स्वयं अधिदेवी होकर के विषय भोग में डूबे रहे, वन उपवन में विहार करने लगे स्त्रियों के साथ, भोगों में पड़ा रहा, यही उसका काम। सोचा कि बस इस शरीर के द्वारा विषय भोग करना ही जीवन का सार है, अब तो अमर बन गया, कौन मार सकता है। जैसे जरासंध भी सोचा था मारक चला गया, मारक दशकर राजा था जरासंध, उसने भी ऐसे ही सोचा था कि मैं शिव की आराधना करता हूं तो वहां मृत्युंजय कवच के द्वारा मैं अमर बन जाऊंगा, और 86 राजाओं को उन्होंने बंदी बना लिया कि और 14 हो जाए कि देश राजाओं को मैं शिव जी के सामने बलि दे दूंगा तो उससे मैं अमर बन जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा युद्धम दे, दान मांग दे। बोले कि आप युद्ध दान मांग रहे हैं, क्या बात है, किस लिए? भगवान कृष्ण ने कहा जरा सुन, अधर्म के रवनी पर खड़े होकर के तुम धर्म के ध्वजा उड़ाते हो, अधर्म के द्वारा कभी धर्म नहीं होता है, प्राणों की हिंसा करते हुए कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए इस बात को सोचो, अन्याय के द्वारा कभी न्याय नहीं होता है, न कभी धर्म होता है। हिरण्यकश्यप ने वही किया, और उन्हीं का पुत्र था प्रहलाद, जो छोटा सा बालक माता के पेट में रहते ही नारद जी उन्हें मिले, जबकि देवराज इंद्र उनकी माता को हरण करके ले जा रहे थे कि उसका जन्म होते ही उसको मार डाले। नारद जी ने कहा, अरे तुम क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति इसे मार नहीं सकता, ये तो महाभारत है, इसे छोड़ो। छोड़ दिया देवराज इंद्र तो पूरे क्षमा करके प्रणाम करके चले, तो उनकी माता शरण लेकर के नारद जी के पास में रही, तो नारद जी ने उन्हें भागवत कथा सुनाई, और माता के पेट में रहते हुए प्रहलाद जी ने जो सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली और कहीं से प्रभु का स्मरण करता रहा। जन्म होने पर छोटा सा बालक जब अब बड़ा हुआ कि इतने में पिताजी ने उन्हें शुक्राचार्य के पुत्र संदावन के पास पढ़ने को भेज दिया, वहां जाकर के पत्र लिखते हुए कुछ दिन में लौटा, पिताजी के पास में आया तो उन्होंने उसको गोदी में उठाया, बोले कि बालक प्रहलाद तुमने जो कुछ अच्छा सीखा है उसमें से कुछ सुना। उनके मन में ध्यान में चिंतन में क्या था, प्रभु भक्ति, प्रभु की आराधना, और हमारे गुरु नारद जी हैं जिन्होंने जो हमें सारा उपदेश दिया यही जीवन का सार, इसलिए उन्होंने सही बात कही, तब सारे मन में सुरवर ये देखना, हे असुर श्रेष्ठ हे पिताजी, मैं खुशी को साधु मानता हूं, जो लोग इस संसार में आए हुए भौतिकता की ओर बढ़ते हुए केवल खाने पीने भोग विलास में वो सदा ही दुखी आतुर है, सुख दुख लाभा लाभ जय पराजय मान अपमान जस अपजस में पड़े हुए शांति कहीं नहीं, इसलिए शांति का भाव एकमात्र सदगुरु के चरणों में आश्रय लेकर प्रभु का भजन करना, श्रीहरि का भजन करना, इससे बढ़कर तो और कुछ। इतने में फिर नरकशिप को हंसते हुए श्रद्धा मर्ग को बुलाया, बोले क्या बात है, ये बालक कैसे ऐसे बोल रहा है? बोले प्रभु हमने तो सिखाया नहीं, पता नहीं कैसे बोल रहा है। बोले कि अच्छा, अब की बार चारों ओर से पहरादारी लगाओ कि कोई भी व्यक्ति इसे न समझा सके न पटा सके। ठीक है, ऐसे ही हुआ। दूसरी बार जब पंडित करके आया तो इतने में पूछा, कुछ उत्तम विद्या सिखाओ हमें, बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, निष्कपट रूप से भगवान विष्णु के चरणों में शरणागत हो जाए, अपना आत्म सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पण कर दे, और प्रभु की जो भक्ति है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सख आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए, यही जीवन का सार है। प्रभु के नामों का कीर्तन, उनकी कथाओं का श्रवण हो, उनकी पूजा अर्चना करें, अपना सर्वस्व समर्पण करें, निष्कपट रूप से उनके चरणों में आश्रित हो जाए, यही जीवन का सार है, यही सबसे उत्तम विद्या है। अब तो हिरण्यकश्यप रहा नहीं गया, तब
श्रद्धावन को, बोले ये कैसे बोला है, ऐसे आपने सिखाया? तो हाथ जोड़े कांपते रहे, बोले प्रभु हे महाराज आप इस बालक को पूछिए क्या हमने सिखाया ये और कहीं से सिखा, हमने तो नहीं सिखाया, ये जहां से सिखा है वहीं से बताया। इतने में उसके पिताजी ने कहा अरे बालक तुम्हारी ये अबुद्धि बुद्धि कहां से ऐसी बात कर रहा है। बोल इतने में बालक ने कहा मतिर न कृष्ण परत शत्रु मिठो विपत्ते गृह प्रदान, ये लोग कहां से हमें सिखाएंगे, हमारी बुद्धि तो चुंबक की तरह भगवान में खिंची हुई, हमारी बुद्धि प्रभु में लगी हुई है, न ये लोग सिखा सकते हैं न दूसरे। ऐसे संसार के लोग जो अधिकृत किए हैं विषयों में बड़े फंसे हुए हैं, अपने घर को खुटा बना लिया और उसी के चारों ओर घूम रहे हैं कि इस घर की उन्नति कैसे हो, संसार की उन्नति अपने सुख संपदा को हम कैसे प्राप्त करें, इस मोह जाल में फंसे हुए अधिकृत होकर के विषयों को भोग रहे हैं और पुनः पुनः रोज दिन ये की चीजों को भोग रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं, यही तो काम है। तब ऐसे व्यक्तियों को हजारों लोग उपदेश देते, आपके तरह से क्या है कितना ही सोचे, कभी भी भगवान में चित्त नहीं लगता है न लग सकता है, लगने का उपाय एकमात्र संत महापुरुषों के चरणों में समर्पित हो जाए और अपने जीवन को नोछावर कर दे, तब कहीं बुद्धि भगवान में लग सकती है। अन्यथा जो लोग भौतिक संपदा को अर्थ को अपने जीवन का पुरुषार्थ मान लिया है और इसी में फंसे हुए हैं, हृदय मले अंधकार में डूबा हुआ है, काला बादल छाया हुआ है, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए एक अंधा जैसे दूसरे अंधे को पकड़ करके चलता है, इसी प्रकार संसार गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति कैसे निकल सकता है, निकलने का उपाय एकमात्र संत महापुरुषों का चरण कमल आश्रय करें जब हो सकता है, इससे अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं। इन बातों को सुनकर के हिरण्यकश्यप को रहा नहीं गया, सब अश्रु को बुलाया कि इसे अभी मारो खत्म करो समाप्त करो, जितने भी दैत्य दानव थे सब जने टूट पड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के मारने, परंतु प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, जो प्रभु का नाम लेते भगवान का स्मरण करते हैं वे कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं, आकाश पहाड़ के ऊपर से गिराया, गले में पत्थर बांध करके पानी में फेंक दिया, बाघ के सामने छोड़ दिया, सांपों के सामने छोड़ दिया, पर किसी ने कुछ नहीं किया, यहां तक कि आग ने फेंक दिया हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको वरदान मिला हुआ था कि कभी आग में नहीं जलेगी, हिरण्यकश्यप ने कहा बहन तुम इस प्रहलाद को लेकर के आग में चले जाओ, आग में जल करके खत्म हो जाएगा तब तुम चलाना, बात सही है। होलिका गई, जैसे आग में कूदे प्रहलाद को लेकर के, इतने में वरदान अभिशाप में बदल गया कि आग जो थी जो अभिशापों से मिला हुआ था ये वरदान मिला हुआ था होलिका को जला करके रखना, पर आग शीतल हो गई, प्रहलाद जैसे के वैसे रह गए। इसलिए धर्म का सत्य का हमेशा विजय रहा, कभी भी सनातन धर्म विनष्ट नहीं हुआ, सनातन धर्म को पालन करने वाले ऐसे जो भक्त जन उनका कभी भी विनाश नहीं होता है, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, असुर लोग चाहे कुछ भी कर ले, स्वयं ही खबर विहीन सीत खबर अपनी दुष्टता के कारण स्वयं ही विनाश प्राप्त होता है। हिरण्यकश्यप को इस तरह से परेशान हो गया, किसी भी तरह से प्रहलाद को कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, यहां तक कि उसके गुरु शंडावरकर आए और प्रहलाद को लेकर के गए, पिताजी से हिरण्यकश्यप से कहा कि आप इस बालक को दे दीजिए और कुछ दिन हम पढ़ाए, बड़े होने पर जरूर बुद्धि बदल जाए, हमारे पिताजी आएंगे, हमारे पिताजी आकर के ठीक, तो इस प्रकार हमारे पिताजी भी आ जाएंगे समझा देंगे तब ये बदल जाएगा, ऐसा कह करके प्रहलाद को ले गए, फिर से पढ़ाने लग गए, पढ़ाते पढ़ाते एक दिन संध्या वक्त कहीं किसी काम के लिए चले गए, बच्चों को कहा तुम लोग
ये पाठ दिया, इन पाठों का अभ्यास करना, पढ़ना लिखना, यहीं पर रहना, हम जा रहे हैं, ऐसा कह करके चले। बच्चे सब अब खेलने कूदने के लिए उछल पुछल मचाने लगे। प्रहलाद का हाथ पकड़ करके खींचे, बोले कि भैया चलो अब सब लोग खेलेंगे। इतने में प्रहलाद जी ने कहा, भाइयों आ जाओ, हम भी खेलेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे, परंतु कुछ बातों को कैसे खेला जाता है इस बात को तो सुन लो। सबको बैठा बैठा करके बोले कि देखो मैं कुछ बात कहता हूं, इस बात को अमल करो, ध्यान। कौमार आश्रित प्राग धर्मार भागवता दुर्लभम मानुषम जनु तदप्य ध्रुवम अर्थम। हे भाइयों, बचपन से भजन करना चाहिए, भागवत धर्म का सनातन धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। क्यों? यह मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। इन कर्मों के सौभाग्य से बहुत जन्म के पश्चात यह मानव जीवन मिला है, केवल खाने पीने विषय सुख भोगने के लिए नहीं, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में कुछ परमार्थ करके जाना चाहिए। इसलिए इस बात को छोड़ो, कौमार काल से बचपन से ही भजन करना चाहिए। जब से सदबुद्धि हो, जब से साधु संतों का संग मिल जाए, तब से भजन करना चाहिए। कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। क्यों? समय तो ऐसे ही चला जा रहा है, बहुत थोड़ा सा समय है। जब तक ये शरीर विपन्न नहीं होता, तब तक परमार्थ का अनुशीलन करना चाहिए। संसार का सभी वस्तु मिल जाता है, परंतु उससे कदापि शांति नहीं होती। जब तक भगवान मुकुंद के चरण कमल की आराधना नहीं करते, तब तक किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं। मनुष्य जीवन 100 वर्ष का हो, उसमें सोने में ही 50 वर्ष निकल जाता है। बचपन का 20 वर्ष खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में चला जाता है, और बुढ़ापे का 80 से लेकर के 100 वर्ष तक 20 वर्ष किसी काम का नहीं रहता है। और बीच के जो 10 वर्ष है युवावस्था में अभुरुक्त कामना है, संसार सुख की वासना भोगों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कामना का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता। चाहे जितना ही घी में आग डाले, ये आग में घी ढाले, उतना ही घी ये आग बढ़ती रहेगी, जलते रहेगी। ऐसे ही ये कामना की कभी समाप्ति नहीं होती। लोग मृत्यु के पथ पर चलते हुए पैसे को कमाना चाहते हैं, और पैसे कभी किसी का मानी, कभी किसी का नौकर नहीं हुआ है। लोग पुरुष अर्थ के ही दास बने, और इसी प्रकार घर संसार को बनाकर पुत्र परिवार में आत्मीय सजन में इतना मोह, इतना आसक्त हो जाता है कि जैसे ये रेशमी कीड़ा होता है, रेशमी कीड़ा अपने लाल से वो घर बना लेता है, बना करके उसके अंदर चला जाता है। अंदर में पड़ा हुआ जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, बस वहीं पर खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है, वहीं पर रह जाता है। निकलने के लिए दरवाजा नहीं रहा, निकलने के लिए उसका कोई दरवाजा नहीं हो, जो निकल नहीं पाता है। ऐसे ही दुरंत मोह में, मोहजाल में फंसा हुआ व्यक्ति, यही मेरा पुत्र है, यही मेरे परिवार है, यही मेरे आत्मीय स्वजन है, यही मेरा जीवन का सब कुछ है, और उसी के बीच में हाय हाय करता हुआ, शोक करता हुआ, और उसी के बीच में डूबा हुआ व्यक्ति इस शरीर को छोड़ के जाता है। इसलिए उसी कर्म के कारण फिर से इसी में जन्म होता है। ऐसे अनादि काल से आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस संसार से कभी छुटकर नहीं मिलता। इसलिए हे भाइयों, ततो उपेत नारायण आदि देव ततो विदुरा परिहृत्य दैत्य। ये दैत्य दानव विषयों में डूबे हुए हैं, भोगों में फंसे हुए हैं, इन भोग के द्वारा कदापि शांति, शांति कहां है? त्यागा शांति अनंतर, त्याग के द्वारा शांति है, न कि भोग के। इसलिए ये सब की संग आसक्ति को छोड़ो और प्रभु के चरणों में आश्रय, उनको प्रयास प्रसन्न करने में कोई अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है, अति जल्दी ही अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे भी प्रभु की भक्ति करें, उनका हाथ जोड़कर एक बार यदि कोई प्रणाम करे, उनको माता का स्तर पीना नहीं पड़ता। दशाश्वमेध यज्ञ करने वाला संसार में फिर से
बाह्यात्मजा प्रेरणाय न मुकुंदस न वृत्त न बहुव्यता नाम कि केवल ब्राह्मणता होने से ही प्रभु मिल जाएंगे ऐसा, देवतम देवता बन जाने से ही प्रभु मिल जाएंगे ऐसा नहीं। वासुदात्मजा केवल ब्राह्मण का संयम कर रहे हैं, जब नियम आसन प्राणायाम और नाक बंद करके हवा को ले रहे हैं, पूरा कुंभ को लेकर कर रहे हैं, समाधि लगाए हुए बैठे हुए हैं, उसके द्वारा भी प्रभु नहीं मिलेगी। और प्रेरणाय न मुकुंदस्य न वित्तम न बहुव्यता, धन दौलत रहने से ही प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, या बहुत कुछ जान लेने से विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भगवान को हम प्रसन्न कर लेंगे, इससे भी प्रभु प्रसन्न नहीं होते। एकांत भक्ति गोविंद, जब एकांतिक रूप से भगवान गोविंद के चरणों में भक्ति होती है तब प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वेदावाणी लोकयास्मिन पुंसाम धर्म परस मृत प्रहलाद महाराज कहते, प्राणी मात्र का यही परम धर्म है कि एकांतिक रूप से प्रभु के चरणों में भक्ति हो और प्रभु के नामों का कीर्तन करें, प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वही हुआ कि प्रहलाद जी और सभी भक्तों को लेकर के सभी बच्चों को लेकर के कीर्तन करने लगे, हिरण्यकश्यपु को रहा नहीं गया, बोले कि अरे ये तो सारा मामला बिगाड़ दिया, सब गड़बड़ी हो गई। उसे बुलाया, बुला करके बोले कि प्रहलाद तुम्हें इतनी ताकत इतनी क्षमता कहां से आ गई, किसने दिया तुम्हें? बोले कि पिताजी जिस शक्ति को आपने प्राप्त किया है, जिनकी शक्ति आपके पास है उन्हीं की शक्ति हमारे पास भी है, आपने प्रयोग उसका दूसरों कामों में लगाया कि प्राणियों की हिंसा करने में, दूसरों से विद्वेष करने में, शत्रुता करने में, और भगवान विष्णु को हम मिटा दें केवल भोगों में लगाए कि हम सब कुछ इसी भोग में लगाए, इसलिए आप अपनी शक्ति को भगवान की दी हुई शक्ति को आपने इसी तरह से गवाया, हमने प्रभु की जो शक्ति पाई है उसी के द्वारा सारे एनर्जी प्रभु के चरणों में दे, सारी शक्ति प्रभु के चरणों में निवेदन की और भगवान का हम स्मरण करते हैं, इसलिए वे हमें शक्ति देते हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं, हम किसी की नहीं रक्षा करते, न हमने कोई प्रयास किया। बोले तुम्हारे प्रभु कहां है? बोले प्रभु सर्वत्र है, हम सर्वत्र देह है। अच्छा मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। बोले आपकी बुद्धि कहां है? आपकी दृष्टि कहां है? केवल इन आंखों से देखा नहीं जाता है, देखा जाता है जब इन आंखों में भक्ति प्रेम का कायल हो, निष्कपट भाव न हो, तब उनका दर्शन होता है, अन्यथा दर्शन नहीं होता है, भक्ति के द्वारा ही दर्शन होता है। इसलिए मैं सर्वत्र देख रहा हूं उस भक्ति के द्वारा। बोले अच्छा तुम देख रहे हो? बोले हाँ। खंभों में है? सब में है? बोले हाँ। इन खंभों में है? बोले जरूर है, मैं वहां भी भगवान का दर्शन कर रहा हूं। वहां भागवत प्रहलाद वे सर्वत्र प्रभु का दर्शन कर रहे, संत भौतिकता वाले हिरण्यकश्यप को दिखाई नहीं, भक्ति का अभाव, और प्रहलाद जी ने देख लिया, इसलिए महान पुरुष प्राणियों में घर घर में सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, और वही सिद्ध करके दिया कि जैसे ही उसने हिरण्यकश्यप ने खंभे को तोड़ा, साथ ही साथ क्योंकि प्रभु नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, सप्तम विधा भक्तों ने कहा, भक्त ने कहा है, प्रहलाद ने कहा, उनके वचन को सत्य रखने सत्य करने के लिए प्रभु न मृगम न मानुष, सिंह भी नहीं, शेर भी नहीं, और मनुष्य भी नहीं, इसी रूप में प्रकट हो गए कि अद्भुत स्वरूप में भीषण गर्जन करते हुए हिरण्यकश्यप का छाती भी दह गया, और साथ ही साथ फिर गलते गलते प्रभु ने उसे खींच लिया, दिन में नहीं रात में नहीं गोद में नहीं, घर में नहीं बाहर में नहीं देह में नहीं, आकाश में नहीं पाताल में नहीं ज्ञान के ऊपर उसको पटक दिया, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं नाखून से विदा विधीर्ण कर दिया, हिरण्यकश्यप की सारी शक्ति सारी बुद्धि सब कुछ गवा दी, उसको पटक दिया। इस प्रकार कहते
को प्राप्त होता है। और साधु समत्व न दिया, साधु साधुता के द्वारा, भक्त प्रभु भक्ति के द्वारा सर्वत्र जीवित रहते हैं, उनको विनाश करने वाला कहीं नहीं। इसलिए भागवत का संदेश कि ये देवता एक अशुभ, हम असुर श्रेणी में न जा सकते, हम सदगुरु का आश्रय करते हुए भक्ति करें, सबका आदर करें, प्राणियों में दया करें, सबके साथ नम्र विनयता का व्यवहार करें और निष्कपट रूप से कृष्ण के चरणों में भक्ति, जैसे प्रहलाद जी को भगवान ने गोविंद बाहु परिग्रह में कर भगवान गोविंद ने अपने भुजाओं के द्वारा सुरक्षित, ऐसे हम सब सुरक्षित और तभी होंगे जब हमारे अंदर भक्ति होगी। इन्हीं कथाओं के साथ आज मैं अपने वाणी को अहम विराम देता हूँ। आप लोगों ने इस प्रकार से श्रवण किया, भगवान को दर्शन करने की ये पद्धति है। जब नृसिंह जी हिरण्यकश्यप को मार डाले, इसके बाद में प्रहलाद महाराज जी झट आए और उनकी गोदी में बैठ गए, प्रभु के आंख से आंसू निकलने लगे, बोले बेटा तुम हमारे लिए बहुत कष्ट सहा, तुम जरूर कुछ बर मांगो। उन्होंने कि बर मांगू, हमने आपकी जो भक्ति की, मैं बनिया नहीं हूं जो अपनी भक्ति को बेचू, एक पैसा दिया उसके बदले में कुछ ले लिया, ये बनियागिरी नहीं। यदि हमारे अंदर में कुछ मांगने की इच्छा हो संसारी तो वो नष्ट हो जाए, यही आप दीजिए। और उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर में तो कुछ मांगने की इच्छा नहीं है संसारी, तुम तो बस हमारी सेवा में मस्त है, तुम फिर भी कुछ मांगो। उन्होंने कहा आप प्रसन्न है तो हमारे पिताजी ने आपके चरणों में यह अपराध किया, उनको क्षमा कर दे, उनकी सदगति हो। नहीं नहीं, वो तो जिस भूल में तुम्हारे जैसा बेटा हो उसका एक ही स्कूल बिना कुछ किए हुए ही माता पिता का उद्धार हो जाता है, और साधारण रूप में है तो 14, और उससे भी कम कोटि का कोई साधारण रूप में भगवान का भजन करता है, 7 कुल उसके माता पिता सबका उद्धार हो जाता है। तुम्हारा माता पिता का उद्धार हो गया और कुछ मांगो, कहीं मांगना ही पड़ेगा तो हाँ जरूर मांगना पड़ेगा, हमारा दर्शन अमोघ है, जरूर उसका फल होगा, कुछ मांगो। उन्होंने कहा यही मांगता हूं, भगवान आपको भूल करके संसार के लोग बुरे बुरे कर्म करके बड़े दुखी हो रहे हैं, अपने पापों का फल भोग रहे हैं और जन्म जन्मांतर तक इस संसार चक्र में घूम रहे हैं, मैं उन लोगों का सारा दोष लेकर के मैं संसार में अनंत काल तक भोग करूं, और हमारा यदि कुछ पुण्य कार्य है भक्ति का कार्य है इनको देकर के इनको उद्धार कर दीजिए, बस यही प्रार्थना। प्रभु बोले जी बेटा तू जीत गया मैं हार गया, हमारी इस उपाख्यान को जो लोग सुनेंगे और भगवान में जिनको विश्वास होगा उन सबको मैं उद्धार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। इस ये भगवान का दर्शन करने की ये पद्धति है, जीवन में सुखी होने की ये पद्धति है, हिरण्यकश्यप वाला पद्धति गड़बड़ का है। जो कुछ भी करें भगवान को प्रसन्न होने के लिए करें, मैं उनका सेवक हूं, ऐसी भावना लेकर के करें। अब हम लोग कुछ कल अब एक दिन है उसमें भी हम लोग जहां तक होगा सार कथाओं को आपके सामने में उपस्थित करेंगे, और आप लोग चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का नाम ग्रहण करेंगे, जो प्रहलाद करते थे, चलते फिरते उठते बैठते छींक करते समय या फिसलते समय भी भगवान का नाम करने से उसमें पैसा नहीं लगता और साजी भगवान के चरण में प्रीति हो जाती है। इसलिए आप लोग घर में जहां कहीं भी रहें मांस मदिरा प्याज लहसुन ये बुरी चीजों को छोड़ करके, जैसे कि कैंसर टीबी रोग होते हैं, इन सबको छोड़ करके शुद्ध आचरण पूर्वक भगवान का स्मरण करें, बस जीवन का सार है। कलयुग केवल नाम आधार, बस भगवान नाम करेंगे, भले ही मंदिर में उपासना ना करें वो उसमें कोई बात नहीं, जहां रहें भगवान का नाम करें, कलयुग में ये सबसे। अब थोड़ा सा नाम कर दो और मैं अब चलूं, इसके बाद में आरती दर्शन करके आप प्रसाद पा करके आएंगे,
और मैं अब चल रहा हूँ। गौर गणेश गंगा हरि हरि की जय।